बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको AIOU न्यूज़ पीके के प्लेटफॉर्म से नॉलेज बूस्टर की आज एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं, जिसके अंदर हम आज सॉल्व करेंगे असिस्टेंट एंटी नारकोटिक्स का पेपर। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने HEC का जो नया प्लान आया है, HEC ने जो चेंजिंग्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद नादरा ने जो अपडेट किया है नॉलेज बूस्टर के लिए आपके, यहाँ पे ये अवेलेबल है। कांस्टेबल की सैलरी कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। फुल सिलेबस जो है उसका एंटी नारकोटिक्स का अवेलेबल है यहाँ पे। फिज़िकल टेस्ट के रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है और करके दिखाया है किस तरह से होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं SPU फोर्स जो है उसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है और क्या क्या है उसकी यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। LDC का पेपर है, UDC का, कांस्टेबल का, ASI का, इंस्पेक्टर का, सिलेबस, सब इंस्पेक्टर का पेपर, फिर हालशुदा साहब का पेपर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के, PPSC की तैयारी के लिए रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं। इस तरह की वीडियोस हम इंफॉर्मेटिव आपके लिए बनाते रहते हैं और आपको इस चीज़ से आगाही देते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का हमारा पेपर जो है वो असिस्टेंट एंटी नारकोटिक्स फोर्स के रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द ओल्डेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना तराना किस मुल्क का है? ठीक है जी, जापान का है। व्हाट इज़ बिग बीन, बिग बीन एक क्लॉक है जी। ठीक है, ये वो उसके बारे में बताया गया। द कंट्री इज़ कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। नायरा इज़ अ करेंसी ऑफ नाइजीरिया की करेंसी है ये। ठीक है जी, सेकेंड लार्जेस्ट एथिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून, पश्तून कहते हैं पठानों को। ठीक है जी, सेकेंड ग्रुप अफगानिस्तान के बाद कहाँ पर है जी? तिजाक में, तिजाक ये जो सी पे लिखा हुआ। ठीक है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, ये अपने मतलब आपने याद रखना है हमेशा। विच इज़ द लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड, रोड टनल जो है वो कौन सी है लार्जेस्ट? वो है स्ट्रीट गोथर्ड स्विट्ज़रलैंड, ये वाली है जी लॉन्गेस्ट टनल। ठीक है जी, इसके अंदर से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं जी, वो आपने तलाश करने हैं, मैं ये तलाश कर दिए हैं आपको। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं वो आपने तलाश करने हैं, वो ये वाले हैं जी। ठीक है जी, अनेमोमीटर क्या चीज़ है, किस चीज़ को मेजर करता है? ये वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की वेलोसिटी को मेजर करता है। हु वाज द फर्स्ट वारसराय, वारसराय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है जी, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, ठीक है जी, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था जी, किंग ऑफ किसका था? ये था जी फ्रांस का। ठीक है सर, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं हेलवेटन, हेलवेटा, पता नहीं ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है, इसको आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा ये क्या चीज़ है। ओल्ड नेम ऑफ, किस चीज़ का ओल्ड नेम है जी? ये है जी स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है जी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे है ग्रेट सैंडी डेजर्ट? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है गिनेवा में। ठीक है जी, अच्छा ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब 17 पे। बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद, ठीक है जी, किसके साथ कनेक्ट करता है? मरमरा सी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कोलंबस डिस्कवर्ड द कंट्री, कोलंबस ने कौन सा कंट्री डिस्कवर किया था? वो था USA। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको जैसे यहाँ पे पहले MCQs में पता चला था कि यहाँ पे ये वाले MCQs में नंबर 6 पे ये वाले दोनों जो हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं। चाइना जैसे लार्जेस्ट कंट्री है, इसी तरह लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो भी चाइना का है, यंगटिज गंग।
ठीक है जी, ये सी पे जो है एटीएम की ऑब्जर्वेशन क्या है जी, अब्रिवेशन ठीक है जी, वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इसको इससे ज़रब दी जाए तो कौन सा जवाब आएगा वो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट फलन गोंग इमर्जड इन, फलन गोंग इमर्जड इन जी चाइना। ठीक है, इनके नाम बहुत अजीब से होते हैं क्योंकि हम तो उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, इस वजह से ये नाम हमारे लिए पढ़ना भी थोड़े से मुश्किल होते हैं। अच्छा जी, रामुल्ला इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सिचुएटेड एट, ठीक है जी, वो कहाँ का है जी, वेस्ट बैंक का। अच्छा जी, सिएटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ, सी पोर्ट कहाँ का है ये वाला, ये है जी यूएसए का। ठीक है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री जो मुस्लिम वर्ल्ड का है वो कजाकिस्तान है। ठीक है, वैसे जो मुस्लिम कंट्री है वो है पाकिस्तान। ठीक है, द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है जी ये, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी, अच्छा जी, अ प्लेस वेयर लेदर इज टर्न इज कॉल्ड ट्यूनली, ठीक है जी, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, रेंगिट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस शटल्स वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट इन 2009, ठीक है जी, शटल वाज डिस्कवरी, ठीक है जी, ये डिस्कवरी है। अच्छा जी, वॉलेटिंग इंटरनेशनल लॉ इसराइल हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंक्रीट वॉल टू डिवाइड द पैलेस्टीनियन इन, ठीक है जी, ए गज़ा। मैं थोड़ा सा सिस्टम से दूर बैठता हूँ तो मुझे थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन में मेरी एब्रीवेशन जो मैं बोलता हूँ उसमें थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर होकर बैठता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होती है। मैं आपके पेपर सॉल्व करने के लिए करता हूँ ताकि मैं खुद तो सॉल्व कर ही लेता हूँ बुक से, तो आपको भी सॉल्व करने की तैयारी, मतलब आपकी भी तैयारी हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी, दमस्कस, दमस्कस, दमिश्क किसको कहते हैं, दमस्कस इज़ द ओल्ड सिटी है जो वो है वर्ल्ड का। ठीक है जी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी, यासर अरफात रिमेन्स द प्रेजिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अटर्निटी फॉर आलमोस्ट, ठीक है जी, वो कितने, मतलब आलमोस्ट कितने सालों के लिए होती है जी, वो होती है 10 साल के लिए। गोल्डन ब्राउन, नहीं गोल्डन ब्राउन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के हैं जी प्रेसिडेंट, ये हैं इंग्लैंड के। अब हम बात करते हैं मोनेचरी, मोनेचरी कहते हैं बादशाहत को, कहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट है अब तक, ये सब में है, स्वीडन में भी है, थाईलैंड में भी है, जापान में भी है, ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, किसी भी जमहूरियत का, स्टेट का पिलर जो है चौथा, वो प्रेस को कहते हैं जी। ठीक है जी, द वर्ल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर वाज क्रिएटेड बाय लियोनार्डो डा विनिसी। ठीक है जी, 1 माइल इज़ इक्वल टू, 1 माइल आपको पता होगा कि 1.6 किलोमीटर होता है, वो किसी भी टेस्ट के अंदर आपको जो दौड़ाते हैं वो 1 माइल दौड़ाते हैं इसके अंदर। अब याद रखें, ये जो 1 माइल है ये मर्द के लिए 7 मिनट का होता है और औरत के लिए 10 मिनट का होता है। ठीक है जी, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सन, सनलाइट से विटामिन डी आता है। अच्छा जी, डिफेंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज, ठीक है जी, अनीमिया, अनीमिया होता है इससे। अच्छा जी, नेपोलियन बोनापार्ट हु कंक्वर्ड हाफ ऑफ द यूरोप वाज अफ्रेड ऑफ, ठीक है जी, कैट, कैट बिल्ली की वजह से डरे हुए। अच्छा जी, वाना, वाना कहाँ का जी होम टाउन, मेन टाउन है साउथ वजीरिस्तान का, यहाँ पे फौजियों को भेजा जाता है वाना के अंदर, सुना ही होगा कभी ना कभी आपने। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी तादाद है 11।
के इन पाकिस्तान स्टैंड फॉर कश्मीर. अच्छा जी, हेपेटाइटिस इज डिज़ीज़ ऑफ हेपेटाइटिस. ये हो सकती है, जैसे मैं सोच रहा हूँ, लीवर के रिलेटेड. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, इन फेबररी 2005 फर्स्ट टाइम पीपल वर गिवन राइट टू वोट इन साउथ अरेबिया. ठीक है जी. माइरेंस फाइट ऑन सी. ठीक है जी. ये माइरेंस क्या होते हैं? ये जो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो लड़ाके तैयारे होते हैं, या वो उनको माइरेंस कहते हैं. ठीक है जी. निकी इज़ द स्टॉक एक्सचेंज एट टोक्यो की. द गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड द माइक्रो फाइनेंस बैंक एज अ खुशहाली बैंक. व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है जी. शामले शेख इज़ द इजिप्ट सी पोर्ट इज़ द रेड सी का है. ठीक है जी. द हिस्टोरिक बादशाही मस्जिद जो है वो 1670 में बनाई गई है जी. ठीक है. ठीक है जी. नहीं, ये रॉन्ग हो गया. ये 1670 नहीं है, सॉरी, 1673 में बनाई गई है. अच्छा जी. द हिस्टोरिक साइट मेरगा वाज डिस्कवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द रिवर ऑन द साइड राइट साइड ऑफ रिवर. कौन सा है, मतलब किस साइड के रिवर पे है? वो है बोलान रिवर. ठीक है जी. अच्छा जी. 66 द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज लोकेटेड इन. FAO लोकेटेड है जी रोम में. ठीक है जी. एड्स वायरस आपने सुना होगा, HIV, ये HIV एड्स होती है. ठीक है जी. नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से. अच्छा जी. द स्विस कनाल लिंक्स, स्विस कनाल जो है वो किस किस को मिलाती है जी? वो मिलाती है मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी. ठीक है जी. इन पाकिस्तान लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द कहाँ पे है जी? पार्लियामेंट में. अच्छा जी. सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली. चिली अब क्या है ये आपने गूगल सर्च करके देख लेना है. आपको ये मैं निशान इसी वजह से लगाता हूँ ताकि मैं इसको गूगल सर्च बाद में करके देख सकूँ. ठीक है जी. विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ, ये बी ऑप्शन है नेरो, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड. ठीक है जी. इसको आपने गूगल करके चेक करना, आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, और आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी कर सकते हैं. अच्छा जी. द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विच कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया, जो बलूचिस्तान का लार्जेस्ट एरिया है, जाहरी सी बात है सबको पता है. द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट मीना इज़ द न्यूज़ एजेंसी है इजिप्ट की. नासा जो है वो आपको पता ही है, स्पेस एजेंसी है उसकी, USA की. अच्छा जी. ऑक्सीजन गैस किसने बनाई थी? प्रेस्ले ने. ठीक है जी. प्रेस्ले एक साइंसदान था, उसने बनाई थी. युआन जो है करेंसी है चाइना की, ये याद रखना है. ठीक है जी. नीस्ट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल की जी है. ठीक है जी. लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है, ये हमने याद रखना है. उसके बाद हम याद रखेंगे जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इनॉग्रेटेड बाय कायदे आज़म, ये है जी यकम जुलाई 1948 को. अच्छा जी. अब हमारी 20 नंबर की ना जो उर्दू है वो आ गई है. उर्दू के अंदर हमने अब नोट करना है कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है चीज़ें. इनको हमने काफ़ी सारे पास पेपर में भी सॉल्व करने की कोशिश की है, इसमें भी अब करेंगे. ठीक है जी. शिकवा और जवाब, शिकवा नज़में अलामा इकबाल किस किताब में है? बांगे दरा में. उर्दू के मशहूर शायर जिन्हें रावलपिंडी की साजिश केस में जेल जाना पड़ा था, वो कौन थे जी? फैज़ अहमद फैज़ थे. अगस्त 2008 में किस मशहूर शायर का इंतकाल हुआ है? अहमद फराज का जी. खालिक का मुतजाद है मखलूक. ठीक है जी. गौहर के मायनी है मोती. उसके बाद हम बात करते हैं नावल दस्तक ना दो. दस्तक ना दो के जो नावल का है राइटर वो किस कौन है? वो है जी अल्ताफ फातिमा. अच्छा जी. मुहावरा 3-5 करना का मतलब क्या है? 3-5 का मतलब है जी तकरार करना. अच्छा जी. गनी का जमा क्या है?
गनी का जमा वो है जी अगना। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है जी? ये है जी तुर्की ज़बान का लफ्ज़। ठीक है जी। अब मुखम्मस लफ्ज़ी का मायने है, मुखम्मस कहते हैं पांच को। ठीक है जी। सानी आदम किस पैगंबर को कहते हैं? सानी आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जी। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? सजदे कितने हैं कुरान पाक में? 14। मक्की सूरतों की तादाद कितनी है और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? ये आपने याद रखना है। जो मक्की सूरतें हैं वो हैं 86 और जो मदनी सूरतें हैं वो हैं 28। इसको मैं लिख देता हूँ मदनी। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। अच्छा जी, दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है? सबसे लंबा दरिया इस्लामी मुल्क की बात हो रही है, ये नोट रखना है आपने, ये है मिस्र में। ठीक है जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत हारून से क्या रिश्ता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था जी? भाई का। अच्छा जी, अबू अल अम्बिया किस पैगंबर को कहा जाता है? अबू अल अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। किस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था और 40 दिन मछली के पेट में रहे? कौन से पैगंबर थे? वो थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, गजवात की तादाद क्या है? गजवात कुल गजवात जो हैं वो कितने हैं? 27 हैं। जैद बिन हारसा का नाम किस सूरत में आया है? जैद बिन हारसा का नाम आया सूरत अल अहज़ाब में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे किए हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे किए हैं जी। तो दोस्तों, मैंने ये पेपर सॉल्व किया है आपके सामने, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है वो भी अच्छा लगा होगा, और मैंने जो 100 MCQ सॉल्व किए हैं वो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गए होंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आई है और मैंने जो आपके सामने पेपर सॉल्व किया है, तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है जी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।